सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आज है अजय एकादशी। अजय एकादशी का महात्म्य मैंने आपको व्रत में सुनाना चाहूंगी। आज अजय एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिनके युग का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसी है, सूर्य वंश मैं 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था और उस श्याम पट पर मणियों से लिखा हुआ था कि यहाँ इस द्वार में जो भी मुंह मांगा है वो दान दिया जाता है। देखिए, आज के जमाना का भी यही है कि मुंह मांगा दान दे दे और कोई मांगे नहीं, और मांगे गाबी तो कोई ऐसी स्थिति मांगेगा जिससे आगे वाले को कष्ट हो। पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा ही होता था। आगे कथा सुनिए। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। कहा कि ये तो झूठा है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा ले लो। विश्वामित्र बोले, राज्य मुझे दे दोगे अपना, फिर क्या है? हरिश्चंद्र बोले, ये राज्य लो आपका हो गया, और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो देनी है। हाँ सही तो बात है, आज की भी यही है। बोला, क्या चाहिए बोलो। विश्वामित्र बोले कि राहु केतु और शनिचर की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, साठ साथी कष्ट सुगम भोगने पड़ेंगे, मेरी परीक्षा में पास होना बहुत कठिन है, आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे और आपकी रानी को दासी बनाना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपका भय नहीं है तो आपको डर नहीं है तो इसका श्री गणेश कीजिए और मेरे साथ काशी चल दीजिए। फिर क्या था? राजा हरिश्चंद्र बोले, चलो जो आपने कहा वो मुझे संपूर्ण स्वीकार है। राजा ने धर्म का सत्कार किया। राजा ने कहा, जो भी होगा मैं उसको देख लूंगा, परंतु मैं अपना वचन कभी भंग नहीं होने दूंगा। फिर क्या था? आप भंगी के सेवक बने, दासी रानी हो गई, पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। देखिए पीड़ा कैसी है, पूरी परीक्षा ली है। खुद हरिश्चंद्र खुद है जो मुर्दों को जलाने के लिए रहे, पत्नी है दासी बन गई, और जो एक पुत्र था उसको विश्वामित्र ने नाग बनकर डस दिया। आगे की लीला बहुत ही बड़ी है, पर इस कथा में क्या कहा गया सुनिए आप। ऐसी आपत्ति में भी सत्य का त्याग नहीं किया हरिश्चंद्र ने, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आ गई और राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर बोले, तुम अजय एकादशी का व्रत करना, विधि पूर्वक व्रत करना, तुम्हारे समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। गौतम मुनि इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। पहले कि इतना ही काफी था कि जो एक रास्ता दिखा दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए कि मैंने जो परीक्षा लेनी थी अब ले ली, लेकिन उसका उद्धार कैसे होगा, उद्धार भी तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक उद्धार की भी विधि बतला दी। राजा ने विधि सहित एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार शब्द हुआ। उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी बड़े बड़े देवगण थे उन सभी को अपने सामने पाया, पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को भूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया, राजा का सत्कार हुआ। इसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी व्रत करने लगे। हरिश्चंद्र के दरबार में जितने भी सब थे उन्होंने उसी दिन से एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया, और एकादशी व्रत का महात्म्य इतना प्रभावशाली हुआ कि अंत तक सभी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस कथा का महत्व में अश्वमेध यज्ञ करने जीता है, और अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता था कि एक घोड़ा है, उस घोड़े को दौड़ा दिया जाता था, वो घोड़ा जितना दौड़ेगा उतनी संपूर्ण समस्त आप भूमि आपकी हो जाएगी। तो ये यज्ञ, ये कथा अजय एकादशी इतनी फलदायक एकादशी।
मित्रों अजय एकादशी का व्रत पाठ समाप्त हुआ। आप इस दिन क्या फलाहार ले सकते हैं? बादाम और छुआरे का सगार लेना चाहिए आज आपको। और इस दिन आपको हरि कीर्तन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो नंदलाल की जय हो। बोलो एकादशी मात की जय हो। आज आपको व्रत करना है, अगले दिन आपको व्रत का प्रांगण करना है। व्रत 22 अगस्त 2022 से शुरू होकर 23 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा और 23 अगस्त को आपको व्रत का प्रांगण करना है। अच्छे मुहूर्त में अच्छा कृष्ण भगवान एकादशी का व्रत आपका सफल करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।